दिख रहे हैं आधी रास्ता हमने देखा ऐसे बनाते हैं जंगली भैंस का है उन्होंने बताया हमको अभी रंगापट्टनम से हम लोग मैसूर पैलेस आ गए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे मैसूर पैलेस का गेट है ये मेरे पीछे जो है मैसूर पैलेस का गेट है इसके पीछे जो है पूरा पैलेस है इधर पे देखिए आप और इस तरफ जो है मेरे पीछे जो है ना एक मंदिर है और ये मैसूर पैलेस काफ़ी बड़ा मैसूर पैलेस है अभी यहाँ पर रंगो रोवर का काम चल रहा है मीन्स कलर का काम चल रहा है आधा आप देख सकते हैं कि आधी आधी जो पैलेस है उसमें कलर हो चुका है आधा महल को कलर करना अभी बाकी है दोस्तों देखते हैं कि अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अंदर जाने का इधर है परमिशन है कि नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों मैसूर पैलेस बहुत ही खूबसूरत है आप इस तरफ देख सकते हैं पूरा मैसूर पैलेस को अभी हम लोग कुछ लोग तो दिख रहे हैं कि अंदर जाने कुछ पब्लिक जो है अंदर मुझे दिख रही है तो मुझे लग रहा है कि ये इसके अंदर भी जाने का परमिशन होगा तो मैं अभी इसके अंदर जाके देखता हूँ कि ये क्या था मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई स्पॉट या बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बनी होगी तो अभी हम मैं अंदर जाके उसमें देखता हूँ कि क्या है उसके अंदर एक्चुअल में वो और इतना बड़ा सिस्टम राजा महाराजाओं का ये बनाया हुआ सिस्टम कैसे चलता है दोस्तों अभी हम लोग मैसूर पैलेस के अंदर हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए ये सब तोपें रखी हुई हैं यहाँ पर और बहुत बड़ा पैलेस है इसके अंदर जो है बहुत सारी मूर्तियां हैं कलाकृतियां रखी गई हुई हैं आप ऐसे देख सकते हैं बहुत क्राउड है और अंदर शूज का परमिशन नहीं है तो हम लोगों ने शूज बाहर निकाल दिया है और वाव 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 बहुत खूबसूरत है भाई दोस्तों इस पैलेस की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना वो ये है आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये बनाया हुआ है आप स्टार्ट से एंड तक देखिए एज इट इज़ है सेम टू सेम बना हुआ है और इसकी क्लियरिटी जो है ना उसकी खूबसूरती आप देखिए मस्त यूनेस्को क्या बना है
वाह दोस्तों, हम लोग अभी एक दूसरे कक्ष में आ गए हैं जो इस तरह बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये कक्ष बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग या कुछ इंटरटेनमेंट का सिस्टम होता होगा। आई थिंक बहुत सारी हम लोगों ने बहुत सारे मूवी में देखा है कि ऐसी जगहों पे वो कुछ नृत्य डांस इस तरह का होता है। यहाँ पर भी एज इट इज लुक ऐसा दिख रहा है। मैसूर पैलेस के अंदर ज़्यादातर यहाँ के राजा महाराजाओं की फ़ोटो है, वो कैसे यहाँ पर राज करते थे वो सब दिखाया गया हुआ है, और उनकी बहुत सारी कलाकृतियाँ ऐसे दीवारों पे लगाई गई हैं। और यहाँ का जो ये जो आप पीछे जो देख रही हैं ऊपर की नक्काशी जो है ना, पीछे जो देख रहे हैं ऊपर की नक्काशी जो है ना, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए ये दो शेर को बनाया गया है, ऐसे मैदान है। और है, मानना पड़ेगा वो टाइम के जो राजा थे, मैसूर राजा जितो थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैसूर पैलेस को बनाया गया है। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी कोई सभा लगती होगी, और आप यहाँ पर देखिए पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, और ये साइड में देखिएगा आपको पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये मेन हॉल है इनका, और यहाँ से ही राजा पूरे राज को ऑपरेट करता होगा आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग दोस्तों ये मूर्ति जो है कृष्णा वाडियार साहब की है, ये उस टाइम के राजा थे, और ये मूर्ति काफ़ी रियल है, जैसा लग रहा है कि रियल में कोई बैठा हुआ है। दोस्तों मैसूर पैलेस का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अभी हमारे जो टीम के मेंबर लोग हैं सब लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा।